वीजा नेम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुशील पाल। कौन बनेगा मेयर शो में आज हम वार्ड 11 की बात करेंगे। वार्ड 11 में इन 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास के काम हो पाए हैं। यहाँ के पार्षद हैं रमेश सोनी और रमेश सोनी इस वक्त कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे की कुर्सी पर हमारे सवार हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितने रुपए की लागत के इनके वार्ड के अंदर काम करा पाए हैं, अपने वार्ड के बाशिंदों को क्या क्या सौगात इन 4.5 सालों के कार्यकाल में वो दे पाए हैं, इनके कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इन्होंने करवाए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कौन बनेगा मेयर शो में आज उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा रहा कार्यकाल। सबसे पहले रमेश सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में। बहुत सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड 11 जो है इसके अंदर कौन कौन से इलाके हैं जो आपके अधीन आते हैं। वार्ड 11 का जो परिसीमन क्षेत्र है वह उसके अंदर रक्चा गली, हिंदू मोची मोहल्ला, आपके घसेटी मोहल्ला, खटीक बस्ती, इसके बाद आप उतार घसेटी वाला क्षेत्र हो उसमें पाटौदी गली है, छिपा गली है, घोड़ा हताई है, गुजरवाड़ा है, डिग्गी बाजार मेन है, झूला मोहल्ला है, ऋषि दयानंद मोहल्ला है, सदगुरु मोहल्ला है और उसके बाद आपके मुंडड़ी मोहल्ला, साथ ही कमंडसपुरा और धान का बस्ती, ऐसा करके पूरा सघन क्षेत्र है जो कि परकोटा क्षेत्र के अंदर बसा हुआ वार्ड है। आपका जो इलाका है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत पतली पतली गलियों का इलाका है, तो जब 4.5 साल पहले आप पार्षद बने तो बहुत सारे वादे आपने चुनाव में किए होंगे लोगों को, वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं उस वक्त थी जिनका निस्तारण आपने कर दिया है और कितनी लागत के विकास के काम आप अपने वार्ड में कौन कौन से करा पाए। देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से पार्षद का पद एक ऐसा पद होता है कि जनता का सीधा जुड़ाव यदि किसी जनप्रतिनिधि से हो सकता है तो वह उस क्षेत्र का पार्षद होता है और पार्षद के चयन की जो एक मापदंड जनता के मन में जो रहते हैं और साथ ही उसके बाद चयन के बाद जो अपेक्षा पार्षद से होती है, निश्चित रूप से जनता की जब चयन का आधार रहा तो उन्होंने देखा कि तुलनात्मक रूप से प्रत्याशी वो हो जो जीतने वाला जो पार्षद हमारा ऐसा हो जो हमारी जनता के उस क्षेत्र की बात को सदन में उठा सके, नगर निगम तक उस आवाज़ को पहुंचा सके और उन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान कर सके। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने इस जो वादा ये किया था कि जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रयास करूँगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ मैंने इसके लिए पूरे ईमानदारी से प्रयास किया और लगभग पूरे क्षेत्र में आप किसी भी गली में चले जाइए कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पर इन 4.5 सालों में काम नहीं हुआ हो। विकास का हर छोटे से छोटे काम कराने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो 4 साल पहले चीज़ बनी थी हो सकता है कि कई बार हमारे जो प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन के अभाव में कई बार हम देखते हैं कि आज मैंने सड़क बनवाई, सड़क बनाने के मालूम पड़ा कि उसके ठीक 8 महीने बाद वहाँ पाइपलाइन नहीं डलनी थी तो वो सड़क खुद गई। तो इस प्रकार से सतत चलने वाली जो विकास की प्रक्रिया है ईमानदारी से हमने प्रयास किया कि उसको हम पूरा करें। फिर भी कुछ कमियाँ अगर छोटी मोटी है तो बचावा कुछ समय है, इसमें उन बातों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास मैं करूँगा। कितने लागत मानी जाएगी, कितने लागत आप अपने वार्ड के अंदर खर्च करवा पाए हैं निगम फंड से, विधायक कोष से या सांसद कोष से, और क्या आपका वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी आता है। देखिए, निश्चित रूप से विगत 5 वर्ष जो भाजपा की सरकार रही उस सरकार के होने का फ़ायदा मुझे मिला, निश्चित रूप से लाभ मिला कि विधायक हमारे थे, सरकार हमारी थी, तो विधायक कोष और साथ ही विधायक कोष के अतिरिक्त ऐसे कई फंड थे जिनके लिए यदि आप प्रयास करें जनप्रतिनिधि तो मिल सकते हैं। जैसे मिसिंग लिंक रोड का एक हमारा बड़ा फंड था, मेरी वार्ड की सबसे प्रमुख समस्या थी कि मदार गेट घी मंडी से प्रारंभ होकर के जो पूरी मेन रोड जो मुंडड़ी मोहल्ला, उतार घसेटी, आपके खटीक बस्ती से लेकर नला बाजार कनेक्ट करती है मैच मेडिकल तक, वो पूरी जगह जैसे डैमेज थी। लगभग 65 लाख की स्वीकृति से मैंने मिसिंग लिंक रोड में पूरा रोड का निर्माण कराया। इस तरह से यदि मैं सारे बात करूं, लगभग सभी क्षेत्रों में जो विकास कार्य हुए हैं, लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2.40 करोड़ के आसपास के काम अब तक मैं करा पाया हूं मेरे कार्यकाल में और ईमानदारी से प्रयास किया कि जनता की जो भी समस्या या जो भी उनकी भावना रही उसके अनुरूप वहां पर मैंने काम कराने का पूरा प्रयास किया है। और अभी भी वर्तमान में भी आप अगर वार्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से अभी विकास कार्य मेरे वार्ड में अभी भी चल रहा है।
अच्छा, कांग्रेस की गवर्नमेंट प्रदेश में आ चुकी है, पहले आपकी सरकार केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, उसके बाद यहाँ पर भी रही, तो फंड लेने में आपको आसानी हुई, लेकिन एक साल से कांग्रेस की सरकार है, अब कुछ समय का ही कार्यकाल, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए होंगे। सदन में देखा हमने, बहुत पुरजोर तरीके से आपने आवाज़ भी उठाई कई कामों को लेकर, इन कामों को पूरा कैसे करा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार बदलने के साथ साथ जो मैं ये मान सकता हूँ कि जो विकास के लिए बजट राशि हमको आवंटित होनी थी उसमें कमी आई है, लेकिन मेरा एक मानना है कि जो निगम का फंड है या विधायक चूंकि अजमेर में भी हम हारे हैं तो उस कोष के माध्यम से, इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ देखी है, यदि जनप्रतिनिधि ईमानदारी से प्रयास करे तो निगम के अंदर जो सालाना बजट जनप्रतिनिधि को आवंटित होता है उसके अतिरिक्त भी जनरल बजट के इतने सारे काम होते हैं और विभिन्न मदों होते हैं, यदि आप ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करें, संघर्ष करें, तो निश्चित रूप से वो काम होता है। और इसका मुझे लाभ भी मिला कि जनरल फंड से मैंने बहुत सारे काम अपने वार्ड में कराए, कुछ कामों के लिए जैसे जो डिमांड है, चूँकि मेरा पूरा वार्ड व्यवसायिक क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र है और वहाँ पर व्यापारियों की लगातार कई पिछले 6 महीने से एक डिमांड उनकी रही कि हमारे यहाँ पर CCTV कैमरा इन बाज़ारों में लग जाए, निगम के फंड से या किसी भी फंड से, सरकारी फंड से। मैंने उसके लिए प्रयास किया, जो मुझे सालाना 20 लाख की राशि आवंटित होती है, मैंने प्रयास किया कि उसमें से 10 लाख मैंने विकास कार्यों के लिए नाली सड़क के दिए और बाकी शेष 10 लाख मैंने कैमरा लगाने के लिए यहाँ पर जो हमारी सम्मान्य आयुक्त महोदय और महापौर साहब को कहा था, लेकिन चूँकि टेक्निकल कुछ कारण रहे उसकी वजह से आयुक्त महोदय ने उसके लिए शुरू में इस बात को नकार दिया कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद उसको लगातार उसकी मॉनिटरिंग और उसको रन करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके अंदर शायद एक आध वार्ड में, जैसे वार्ड नंबर 51 में निगम फंड से कैमरे लगे थे, लेकिन बाद में उसको संधारित और संचालित करना। अच्छा, कैमरे का जिक्र है, बीच में आपको रोकूंगा, भाजपा के जितने भी अभी तक जितने भी हमने शो किए हैं कौन बनेगा मेयर शो में, तो भाजपा के तमाम पार्षद थे, क्या दिल्ली चुनाव का नतीजे के कारण ही CCTV कैमरे का जिक्र आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि दिल्ली सरकार कहती रही कि दिल्ली एक इकलौता ऐसा शहर है जिसको हर जगह पर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, भाजपा उन्हीं बातों को जनता के सामने लेकर आना चाह रही है कि CCTV कैमरे हम वाकई लगाएंगे आपके लिए? नहीं सुशील, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो दिल्ली चुनाव तो अभी हुए हैं और अभी उसके परिणाम आए हैं। यदि आप विगत 2 साल का हमारे जब से अभय कमांडो सेंटर के माध्यम से कैमरे शहर में लगे, आप 2 साल से पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जितने क्राइम हुए और क्राइम होने के बाद उनको कहीं ना कहीं उन तक पहुँच करके ट्रेस कर अपराधी को पकड़ा गया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन अभय कमांडो सेंटर के जो CCTV कैमरा है इसकी रही। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं लगातार पिछले 6 महीने से इसके लिए प्रयासरत हूँ कि मेरे वार्डों में भी वो कैमरे लग जाएं, क्योंकि वहाँ पर आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है या रात को किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना होती है, तो आज CCTV कैमरा के माध्यम से उस लक्ष्य तक हम पहुँच पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली चुनाव की वजह से एक जुआर ये उठाए कैमरे वाला, ये एक अपडेट होते हुए समय की मांग है और एक बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ कि ये काम होना चाहिए, जिससे एक वॉच और मॉनिटरिंग के रूप में हम पूरे शहर को देख सकें। आपके इलाके को मैंने बहुत बारीकी से देखा, मुझे एक बात नज़र आई कि पतली पतली गलियां बहुत हैं, अगर कोई भी ग्राहक जब दुकानों पर जाता है तो उसके लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था आपके वार्ड में कहीं पर भी नहीं है। इस मामले को आप इस बार सदन में भी नहीं उठा पाए, क्या कोई भी ऑप्शन विकल्प नहीं है पार्किंग का? चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। देखिए, ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही कि पार्किंग की समस्या उस वार्ड में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज की यदि मैं 15 साल पुरानी बात करूँगा तो वहाँ पर एक रिहायशी क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवसाय गतिविधि का एक बड़ा केंद्र बन गया, बड़ा मार्केट बन गया, चूँकि दरगाह से निकट भी है इसलिए भी वो डेवलप हुआ व्यवसाय केंद्र के रूप में। और पार्किंग की समस्या स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जहाँ पर पहले मकान के अंदर 1 या 2 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज दुकान पर जो दुकानदार है उसकी गाड़ी, उसके अलावा पर जो तो 2-2, 3-3, 4-4 सर्वेंट काम कर रहे हैं उनकी गाड़ी, फिर जो कस्टमर आ रहा है उनकी गाड़ियाँ, तो उन छोटी गलियों में पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं कि मैंने पार्किंग का मुद्दा अभी उठाया हो, यदि आप देखेंगे तो जो 2018 की हमारी GC है उसके अंदर मैंने स्ट्रीट टॉकेज के बाहर मल्टीपल पार्किंग, डिग्गी चौक में मल्टीपल पार्किंग का एक बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन चूंकि तकनीकी कारणों से JN साहब जाकर भी आए थे वहाँ पर, उन्होंने उसका एस्टिमेट बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन टेक्निकल कारणों से
वो पार्किंग का हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा अजमेर शहर में अभी भी मल्टी लेवल पार्किंग का एक सिस्टम डेवलप हुआ ही नहीं है। और प्रशासन को लगता है कि एक बहुत भारी काम है अब स्मार्ट सिटी में जाकर के मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप करने की बात आ रही है। पर ये नाकामी सरकार की है, प्रशासनिक अधिकारियों की है या जनप्रतिनिधि की, किसकी है, किसकी आप मानते हैं कि वाकई उसकी जिम्मेदारी है इस शहर को नहीं दे पा रहे ऐसी सौगात? देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि दोष तो न प्रशासन का है न जनप्रतिनिधि का है। हाँ, कमी और एक विज़न, जो एक सोच होनी चाहिए थी वो शायद अब तक नहीं हो पाई। अब जाकर के जागेंगे स्मार्ट सिटी के अंदर, अब जाकर के इनको लगता है कि पार्किंग अजमेर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान होना चाहिए, तो अब जाकर के उस पर जागे हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रयास पूर्व में होने थे वो नहीं हो पाए। और सिटी के अंदर इतनी बड़ी जगह, और आप, मैं फिर एक बात कहता हूँ कि आज प्रशासन, जैसे कल भी जब मल्टी लेवल पार्किंग का 5 स्थान स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करने के प्रयास किए गए, मैंने इस बात का पुरजोर वहाँ पर उठाया कि आज जो भी प्रशासन काम कर रहा है वो आप देखिए, आप प्रशासन का इतना बड़ा बजट स्मार्ट सिटी का आया 1947 करोड़ आए, बाद में इन्होंने अपने हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसको 1024 करोड़ का तक रख दिया। और उस विषय को भी मैंने उठाया था कि ये कारण क्या हुआ, जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के वार्ड थे उन वार्डों में जो डेवलपमेंट के कामों की अपेक्षा पार्षदों की थी वो नहीं हुए। और इस सदन में सब पार्षद इस बात से व्यथित भी थे और चिंता भी व्यक्त कर रहे थे। नहीं होने का कारण एक ही मात्र था कि जिस गति से और जिस विजन के साथ स्मार्ट सिटी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, उन्होंने उस विजन के साथ काम नहीं किया, जनप्रतिनिधि को उसमें कहीं शामिल नहीं किया। और उसी का कारण रहा कि जो बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट चाहे CSR फंड के माध्यम से हो सकते थे, चाहे PP मोड पर हो सकते थे, एक भी सिंगल काम भी उन्होंने उस मत से कराने का न तो प्रयास किया और न पहल की। और इस कारण जो बचा हुआ बजट था उसको इन बड़े बड़े कामों के अंदर, जिसका ठीक है एक उपयोग हो सकता है, लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव नहीं। आज बर्ड पार्क आप डेवलप करेंगे, आम जनता को उससे मतलब नहीं है। आम जनता को मतलब है नाली, सड़क, सुविधा, लाइट, बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये जो पार्किंग वाला विषय है, भले ही देर से जागा प्रशासन, निश्चित रूप से यदि ये फ्रूटफुल होता है। और फिर मैंने कहा कि मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि आज मैंने इस विषय को भी उठाया था कि आप निगम की संपत्तियों को लेकर के और मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप करना चाह रहे हैं। आज जब हम बात करेंगे राजस्थान की, बात करें राजस्थान में 2 नगर निगम ऐसे हो गए जहाँ पर 2 निगम के आदेश हो गए, और हम यहाँ पर इस एक बिल्डिंग के अंदर आज भी हमारा नगर निगम चल रहा है, तो वो सोच ही नहीं है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कलेक्ट्रेट का ऑफिस के डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए, लेकिन निगम के लिए कोई सोचने वाला नहीं, जो कि निगम उसका अंशधारी है, हितधारी है, उसको वहाँ पर 10% भुगतान करना है, लेकिन सोच नहीं है। तो इस बात को मैंने कल भी उठाया था कि, और उसके बाद ये हुआ कि 5 में से 3 स्थानों पर ये मल्टी लेवल पार्किंग देने का निर्णय सदन ने किया। चलिए, आपके वार्ड में 1-2 और बहुत गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि गायों की बड़ी समस्या है, गाय जगह जगह मिलती है, उसके कारण गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है, उससे व्यापारी भी वहाँ के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और एक दूसरी बड़ी समस्या सीवरेज को लेकर क्या स्थिति है आपके वार्ड में? देखिए, पहली जो समस्या आपने बताई, निश्चित रूप से मैं खुद बड़ा व्यथित हूँ कि इतना हमारा कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, वो सुबह एकदम बढ़िया झाड़ू लगाकर सड़क पर जाता है, लेकिन ठीक उसके आधा घंटे बाद यदि हम देखेंगे सड़कों पर जाएंगे, घंटे भर बाद जाएंगे, तो वहाँ पर गायों के माध्यम से, गोबर के माध्यम से बहुत बड़ी गंदगी हो जाती है। अब ये जो सबसे बड़ा इसका कारण है, उस कारण पर भी हम जाएँ तो कारण ये है कि मेरे यहाँ पर 2 बड़े क्षेत्र हैं, गुजरवाड़ा, जहाँ पर आज भी पशुपालक है। मैं जब सदन में जीत करके आया था, पहली साधारण सभा के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया, और मैंने उसमें उनका अहित नहीं हो इसलिए उस समय गोकुल ग्राम योजना जो सरकार की थी उसके तहत इनको शहर की सीमा से बाहर जमीन आवंटित कराने के लिए निवेदन भी किया, उनको पत्र भी दिया। उस समय माननीय लखावत जी हमारे धरोहर प्रगति प्राधिकरण के अध्यक्ष से पूर्व इस काम को देख रहे थे, मैंने उनसे भी निवेदन किया, लेकिन वो शायद गोकुल ग्राम योजना कागजों में दबकर रह गए और उस पर फुटफुल कोई काम नहीं हो पाया। और इस बात को मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं जनता को उस समस्या से निजात नहीं दिला पाया। अब इसके पीछे एक थोड़ा सा ये भी रीज़न रहता है कि हमारे भी जो लोग हैं वो इस बात में थोड़ा सा हिंदू धर्म में हमारे है कि गाय माता को सुबह सुबह रोटी खिलाना, ये सब करना, ये चीज़ रहती है, जिसके कारण वो लोग भी इस बात को बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते, लेकिन उसके वजह से जो गंदगी और कई बार दुर्घटनाएँ भी हुई है, एक आध बार गाय के सींग से हमारे यहाँ पर एक महिला भी घायल हुई, तो ये समस्या वाजिब है। और अब एकमात्र ये कि सरकार इस पर कोई, मैंने कई बार उनको चालान भी करवाए, कई बार सदन में इस बात को उठाया भी, लेकिन मैं भी जानता हूँ क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के वोटर भी हैं, जब तक उनको अनंत स्थान पर उनको भूमि देकर के हम स्थापित नहीं कर पाएंगे उनके बाड़ों को, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।
और दूसरी जो आपने समस्या बताई सीवरेज की, तो सीवरेज के आप हमारे यदि देखें तो ये दरगाह क्षेत्र वो क्षेत्र था अजमेर का सबसे पहला जिसमें 1997 के अंदर और ये जो सीवर लाइन डाली गई थी। और चूंकि स्वाभाविक है कि उस समय जब ये जो क्षेत्र का अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो न तो उस समय इतने यहाँ पर कॉमर्शियल हब थे, न होटल्स थी, न गेस्ट हाउस थे पूरे दरगाह क्षेत्र में, मेरे वार्ड को भी इंक्लूड करते हुए, उससे भी रिहायशी करते। और उस समय जब ये सीवर लाइन डली तब एक बहुत बड़ी कमी भी रही कि उन सीवर लाइन को टाल तो दिया गया लेकिन उनको प्रॉपर्टी चैम्बर के माध्यम से उस किचन के जो पानी आना चाहिए वो पानी उन्होंने उस समय नहीं जोड़ा, वो एक बड़ी टेक्निकल खामी थी। और उसके बाद यदि मैं बात करूँगा तो कालांतर में जो विगत लगभग 23-24 साल का जो एक पीरियड रहा, इस पीरियड के अंदर आप अगर देखेंगे तो पूरे दरगाह क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस इतने हो गए और वहाँ पर आने वाले जायरीन की संख्या जो बड़ी है दरगाह आने वालों की, तो एक बड़ा लोड उन सीवर लाइन पर है और जिसकी वजह से वो आए दिन जाम होती रहती है। इसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा इसके स्वीपिंग का ठेका किया गया है लेकिन मैं उस पर कभी निर्भर नहीं रहता। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक कर्मचारी है बंटी, उसको पर्सनली हर महीने 10,000 रुपये देता हूँ और उसका काम सिर्फ यही है कि जहाँ भी चौक होती सीवर लाइन उसको खुलवाने का काम मैं अपने माध्यम से करवाता हूँ, क्योंकि एक बड़ी समस्या है और अगर इसको मैं समाधान नहीं करूँ तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या जनता को होने वाली होती है, इससे मैंने व्यक्तिगत स्तर पर उस काम को कर रखा है। चलिए, कौन बनेगा मेयर शो है तो थोड़ी सी राजनीति वाली बातें भी कर लेते हैं। सदन के अंदर इस मरतबा आखिरी कार्यकाल बीजेपी बोर्ड का रहा, आखिरी साधारण सभा रही आप लोगों की, लिफाफे का बड़ा जिक्र हुआ, ये लिफाफा कांड क्या है? वाकई ऐसे लिफाफे ऐसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि चंद्रेश सांकला ने तो खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने भी कभी लिफाफा लिया। देखिए, ये उस माननीय सदस्य का अपना मत है, भाई अगर दिया हो और उनको दिया हो तो उनकी वो जाने, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है नगर निगम में न तो इस प्रकार का कोई कभी बात हुई, न कभी कोई प्रकरण हुआ। अब ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते हम देख रहे हैं कि विगत कुछ समय से आपसी मन नहीं मिलने के कारण आरोप प्रत्यारोप की एक झड़ी आपस में चली है, चाहे वो पार्षदों में आपस में हो चाहे पार्षदों द्वारा मेयर के प्रति हो, लेकिन सत्यता धरातल पर यही है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। अब ये कहाँ से विषय उठा, क्यों उठा और क्या कारण रहा, तो निश्चित रूप से इस जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाए हैं इसकी अगर जाँच होगी तो मेरे को लगता है कि कहीं भी कुछ पाया नहीं जाएगा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन जोमैटो एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। विजनेंस प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड नंबर 11 के पार्षद रमेश सोनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ई रिक्शे की सवारी के ऊपर हम शहर घूम रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से विकास के काम कर पाए हैं, राजनीति की कुछ बातें हो रही हैं। सोनी साहब, शहर ये जानना चाहता है कि आपकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या वाकई परिवार में पहले से थे या आप ही डायरेक्ट आए, संघ से आपका नाता रहा या डायरेक्ट बीजेपी से रहा? देखिए, वास्तव में पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंदर हमारे पूरे परिवार में राजनीति क्षेत्र में कोई नहीं रहा। हाँ, शुरू से संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और उसके बाद कॉलेज के अंदर जब मैं अध्ययनरत था तो विद्यार्थी परिषद का भी कुछ काम मैंने किया, हालांकि सक्रिय रूप से विद्यार्थी परिषद में मेरे पास दायित्व नहीं रहा लेकिन चूंकि मेरे पास संघ में दायित्व उस समय था। और उसके बाद 2000 में हमारे जो जिस वार्ड से मैं पहली बार पार्षद चुन करके आया था, वार्ड नंबर उस समय 22 हुआ करता था, डेलीगेट और लौंग क्षेत्र का, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति थी और वहाँ पर टिकट वितरण को लेकर कुछ बात चली, उस समय के वहाँ पर हमारे जो उस समय के मित्र थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक युवा चेहरा इस पार्षद पद के लिए चाहिए। तब उन सब के सहयोग के माध्यम से मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही मैं 375 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाकर पार्षद बना। इसके पृष्ठभूमि के अंदर केवल और केवल जो मैं समझता हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा कि मैंने संगठन में विभिन्न दायित्व पर काम किया, मैं शुरू के अंदर युवा मोर्चा में सिर्फ एक जिला मंत्री के पद पर था, उसके बाद युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद पार्टी के मूल संगठन में मंडलाध्यक्ष बना और वर्तमान में 2 कार्यकाल से लगातार जिला महामंत्री के पद पर रहा और पार्षद भी दूसरी बार चुनकर आया। तो इसके पीछे कहीं एकमात्र जो आधार है कि जो संघ की शाखाओं में हमको जो सीखने को मिला
उसी वजह से मेरा खुद का मैं व्यक्तित्व विकास भी कर पाया और एक सोच मेरी ऐसी डेवलप हुई कि मैं समाज सेवा और क्षेत्र के कामों को प्रखरता के साथ करा सकूं। राजनीति की जब बात हो रही है तो बहुत नाम आपका चल रहा था कि भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी बन सकते हैं। हमारे सूत्रों ने भी हमको बताया कि रमेश सोनी का नाम चल रहा है, वो बन सकते हैं, लेकिन नहीं, किसी और को बनाया गया। डॉक्टर हड़ा जी को बनाया गया। कहीं चूक रह गई थी, इच्छा थी? ऐसा नहीं है, संगठन में काम करते हैं, निश्चित रूप से संगठन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता का सोच की यदि मैं बात करूं तो उसको हमेशा अपने स्वयं के बारे में सभी निर्णयों को संगठन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संगठन जो भी निर्णय करेगा वो अच्छा निर्णय करेगा। और निश्चित रूप से इस बार भी ऐसा हुआ कि जिलाध्यक्ष के लिए नाम चला, लेकिन संगठन को जो उचित और जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो उन्होंने निर्णय किया, मैं मानता हूँ कि वो निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। और निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ता के नाते तब भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार से बिना किसी स्वार्थ की महत्वाकांक्षा के मैं हमेशा करता रहूँगा पार्टी के लिए। अच्छा, अजमेर शहर के दो विधायक हैं, उत्तर और दक्षिण के, दोनों में से घनिष्ठता किससे आपकी ज्यादा? देखिए, दोनों विधायक मेरे सम्मानीय हैं और दोनों मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों के साथ काम करने का अवसर मिला, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं अनिता जी बघेल, जब पहली बार वो 2000 में सभापति बनी उसी बोर्ड में मैं भी पार्षद था और निश्चित रूप से जिस पृष्ठभूमि से आई थी उसी विचारधारा से मैं था, तो कार्य करने का इतना बढ़िया, 3 साल जब तक वो सभापति रही, बहुत ही आपसी सामंजस्य के साथ हमने उस सदन के अंदर उनके साथ काम किया और निश्चित रूप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद चूंकि वो विधायक बन गई और विधानसभा क्षेत्र भी अलग हो गए, तो उसके बाद ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं संगठन का काम कर रहा हूँ वहाँ के विधायक से मेरा जुड़ाव स्वाभाविक रूप से निकटता बढ़ेगी। और ये मान के चले कि 2003 से माननीय देवनानी साहब के विधायक बनने के बाद उनके साथ काम करने का पूरा अवसर मिला और मैंने भी प्रयास किया कि ईमानदारी के साथ उनके साथ रह करके जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे जिसके लिए उन्होंने मुझे योग्य समझा वो मैंने बखूबी निभाई और मेरे इस राजनीतिक जीवन में मुझे निश्चित रूप से माननीय देवनानी साहब और हमारे महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत, इनके साथ भी मेरे 2000 से संबंध है, जब मैं पार्षद था आप उपसभापति थे, इन दोनों व्यक्तित्व से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि राजनीति में किस प्रकार से आपको धैर्य संयम के साथ यदि आप अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी हमेशा काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उसकी योग्यता कभी छुप नहीं सकती। ये बहुत कुछ सीखने को मुझे इन दोनों व्यक्तित्व से मिला। संघ की शाखाओं में अभी भी जाते हैं? बिल्कुल, अभी भी संघ की शाखाओं में, हालांकि नियमित आप नहीं जाना हो पाता, लेकिन साप्ताहिक शाखा हमारी समन्वय शाखा है उसमें मेरा जाना अभी भी होता है और प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे वो छोटे छोटा कार्यक्रम हो, उत्सव जो संघ के होते हैं उसमें अभी भी बराबर नियमित रूप से मैं सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं एक स्वयंसेवक के रूप में मेरा विकास हुआ। अच्छा, आप एक बात और बताइए, कौन बनेगा मेयर शो है, बीजेपी की ओर से मेयर की दावेदारी, महिला की ओर से आपको क्या लगता है, कौन है दौड़ के अंदर? क्योंकि अनिता बघेल की बहन का भी जिक्र आया और भी कई नाम आए, क्या क्या लग रहा है, कौन कौन दौड़ में? देखिए, अब इस विषय पर मैं अभी कोई बात कहूँगा तो उसका औचित्य नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो भविष्य के गर्भे में, अभी वार्डों की लॉटरी निकलनी है, किन वार्डों से महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित होंगे, फिर उन वार्डों में जो लड़ने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो उस समय पार्टी योग्यता के आधार पर उसका निर्धारण करेगी, तो इसलिए इस विषय को तो अभी कुछ भी कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ सार्थक नहीं होगा। ये तो जब लॉटरी निकल जाएंगे और उसके बाद जिन वार्डों में महिला आरक्षण की सीटें होंगी वहाँ से कौन कौन कार्यकर्ता उस समय निकल करके आता है तभी कुछ कहना संभव है। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए भी था क्योंकि संगठन में आपकी अच्छी पकड़ है, लोग आपको जिला अध्यक्ष बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं लोगों में आपसी चर्चा आपके संगठन में इस बात के लेकर भी हो रही है कि आखिर कौन सी महिला उम्मीदवार होगी ऐसी जिसको आगे किया जाएगा, क्योंकि एडजस्ट तो आप लोग किसी भी वार्ड में कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने का अपना एक लोकतांत्रिक पद्धति है और बहुत ही गुणावगुण के आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है। स्वाभाविक है कि जो महिला इस प्रकार की कार्यकर्ता हमारी जो आरक्षित वर्ग से आती हैं और जो लगातार पार्टी के अंदर सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही हैं उन सबकी भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन फिर भी जिसका पार्टी निर्धारण करेगी, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्पष्ट रूप से देखा होगा, चाहे वो 2000 का चुनाव हो तब भी अनिता जी बघेल को इस नाते ही लड़ाया गया था कि हमें उनके सभापति के पद पर बैठाना है,
तो ये पार्टी की सोच होती है और पार्टी का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा संगठन मिलकर के सारे चर्चाओं के आधार पर, उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर निर्णय करता है। इसलिए इस विषय पर मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। चलिए आओ, ये बात भी बताइए, क्या आश्वस्त हैं कि भाजपा का बोर्ड एक बार फिर बनेगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लोगों की थोड़ी सी मेंटलिटी जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है कि प्रदेश में जिसकी सरकार है लोकल बॉडी भी उसी की बन जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से थोड़ी जित बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये प्रदेश में सरकार होने का एक कारण बनता है कि नीचे भी जनता है, लेकिन मैं अजमेर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि अजमेर की जनता वास्तव में इतनी विद्वान मानता हूँ उस जनता को कि वो हर चुनाव के हिसाब से अपना निर्णय करती है। आप चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें और पार्षद के चुनाव की बात करें, तो हमेशा जनता का जो मैंने मूड देखा है वो उस समय प्रत्याशी की तुलना करके एक पार्षद को चुनना चाहती है। किसी पार्टी के सिंबल को, निश्चित रूप से पार्टी की विचारधारा का अपना एक महत्व है, पार्टी की विचारधारा का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन उसके बाद भी पार्षद के चुनाव में जनता अपने प्रत्याशी को गुणागुण के आधार पर उस समय चयन करती है और वोट देती है। और लिहाजा इस दृष्टि से मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप 95 से उठाकर देख लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। एक बार माननीय कमल जी बाकोली हमारे महापौर कांग्रेस के जरूर रहे हैं, बाकी बोर्ड हमेशा बीजेपी का रहा है, और वो इसीलिए रहा है कि कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण में कार्यकर्ता को प्राथमिकता देना, जमीन से जुड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इस कारण मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी वही स्थितियाँ बनने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हर हालत में बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको जैसा बताया कि प्राथमिकता जो दी जाती है वो जमीन से जुड़े एक वर्कर को दी जाती है, जो वास्तव में क्षेत्र में जाके काम कर सके, जिसके क्षेत्र में प्रभाव हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट चयन के आधार पर उनको टिकट दिया जाता है। और यही हम कांग्रेस से कहीं ना कहीं भारी पड़ते हैं और इसीलिए हर बार बोर्ड बना पाते हैं। डिप्टी मेयर की दौड़ में क्या आप भी शामिल हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमारी पार्टी का एक अपना है कि वो निर्णय जो करता है वो संगठन करता है। संघ के कार्यकर्ता के तौर पर बिल्कुल पढ़े लिखे तौर पर आप डिप्लोमेटिक आंसर देते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, डिप्लोमेटिक नहीं, वास्तविकता भी है ये। मैं संगठन में जो भी काम करते हुए आज मुझे 25 साल हो गए, तो मैंने जो संगठन की निर्णय प्रक्रिया को देखा है वो उस समय जो श्रेष्ठ और योग्य कार्यकर्ता होता है उनकी नज़र में हमेशा उसको आगे बढ़ाती है, उसका चयन करती है, और ये पूरे संगठन का मिलकर के निर्णय होता है। कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि मुझे ही टिकट मिलेगा या मुझे ही डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। निश्चित रूप से उस समय जो संगठन निर्णय करेगा और जो परिस्थितियाँ बनेगी उसके आधार पर ये होगा। और मैंने पहले भी कहा, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, और मैं इसको इसलिए भी अच्छा मानता हूँ कि आज हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक पार्षद के पद पर हो, लेकिन यदि उसको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, तो हो सकता है कि वो अपनी योग्यता के आधार पर उस काम को, जिम्मेदारी को और अच्छी बखूबी निभा सके, तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है। एक शख्स ने हमको एक संदेश भेजा, जब उन्होंने कहा कि कौन बनेगा मेयर शो में, जब आप रमेश सोनी जी से मिले तो उनसे ज़रूर ये सवाल पूछिएगा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा हमसे कि पार्षद नीरज जैन और रमेश सोनी, ये दोनों ही वो शख्स है जो पुरजोर तरीके से सदन में आवाज़ उठा रहे थे साधारण सभा में, क्या महापौर पहले से ही तय कर देते थे कि कल इस मामले के ऊपर हंगामा मचाना है या इस मामले पे जोर शोर से आवाज़ उठानी है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विषय पार्टी की मीटिंग में भी उठा, बाकी पार्षदों में इसके लिए कहा था कि साहब कुछ पार्षद जो सारे विषयों पर बोलते हैं, तो मेरा इसमें एक मानना है, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जनता के आवाज़ बनकर आप सदन तक पहुँचा है, और ये सदन में वही बात व्यक्ति रख सकता है जिसने पूरे विषय को अच्छी तरह से पढ़ा हो, उस पर तैयारी की हो, तभी आप उस विषय को वहाँ पर रख पाएंगे। केवल बातें करना वहाँ पर नहीं है, लेकिन आप तर्कयुक्त बातें करें, आप उस विषय पर, जिस विषय पर एजेंडा है उस पर यदि आप ठोस, आपके पास तथ्य हैं, आधार हैं, उसकी स्टडी आपने की हुई है, तभी आप सदन में बात रख पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई पूर्व नियोजित ऐसी कोई बात होती थी। ये बिल्कुल सही है कि जो भी व्यक्ति है, मेरे हम दोनों के अलावा भी कुछ पार्षद जिन्होंने तैयारी की, वो इस सदन में इस बार बोले और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना भी है कि हर पार्षद को तैयारी करके आना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को प्रखरता के साथ सदन के पटल पर रख सकें, जनता की आवाज़ को हम
सदन अपनी आवाज के माध्यम से वहां पर पहुंचा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पूर्व नियोजित कुछ भी नहीं था, ये केवल पार्षद की अपनी तैयारी और उसके आधार पर निर्भर होता है। कार्यक्रम आखिरी चरण के अंदर है, जिस सड़क पे हम चल रहे हैं यहाँ से एलिवेटेड रोड निकलने वाला है और पार्षद नीरज जैन ने एलिवेटेड रोड का मसला उठाया है। एलिवेटेड रोड का मसला कहीं आप लोगों के लिए हानिकारक तो साबित नहीं हो जाएगा? कहीं किसी प्रकार से जिस तरीके सदन में मामला उठाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात उठी, उनसे उन्होंने स्वीकृति नहीं ली गई, NOC नहीं ली गई, ये मामला कहीं कांग्रेस को तो नहीं दे देगा, कहीं ये रुक तो नहीं जाएगा? नहीं, देखिए मेरा मानना है ये बात उठी और निश्चित रूप से जब आप शहर के विकास की बात करते हैं तो मैंने कल सदन में इस बात को उठाई थी कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2016 में इसका होने बनने के बाद और जिस प्रकार से इन्होंने कार्य की गति को प्रारंभ किया, मैंने सदन में इस बात को उठाया था और मैंने कहा कि इस स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की जो PMC है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिस पर भी मैंने सवाल निशान उठाए थे कि आज आप इतना बड़ा एलिवेटेड रोड का आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसकी डिज़ाइन बनाई, DPR बनाई, लेकिन आप हद देखिए। और मैं इसे विडम्बना ही कहूँगा कि प्रशासन के आपसी विभागों का कोऑर्डिनेशन आप देखिए कि इतना बड़ा काम चालू हो गया, काम 20% पहुँच गया और 20% पहुँचने के बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि इसके नीचे वाटर लाइन है जो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और उस शिफ्टिंग के पीछे आपका काम 2-3 महीने सफर होगा। तो ये कहीं ना कहीं दूरदर्शिता थी प्रशासन की इस संबंधित स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो हमारे अधिकारी हैं, और मैंने इसीलिए इस बात को कल प्रखरता से उठाया था कि कहीं ना कहीं जो अपने आप में ही निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में निर्णय लेने की जो उनकी प्रवृत्ति है, जनप्रतिनिधि की अवहेलना, क्योंकि मैं एक मानदंड कल मैंने इस बात को उठाया था कि जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको सब चीज़ें ध्यान में होती है कि किस काम को कैसे किया जाता है, कौन सी बाधा कहाँ पर आती है, लेकिन उनका इन्होंने सहयोग लेना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा और इस वजह से ये आज दिक्कत आ रही है। रही बात जो नीरज जी ने बात उठाई थी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, तो मेरा मानना है कि प्रशासन इसके लिए सक्षम है और वो जो बात कल सदन में भी आई थी, यदि अगर हम छोटी छोटी बातों को देख करके बैठ जाएंगे, उन पर काम होना चाहिए, उसको तुरंत गति से केंद्र सरकार के पास जाके प्रशासन को NOC लानी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों को यदि हम देखेंगे तो जो बड़ा हमारा विकास का काम है वो कहीं ना कहीं अटकता रहेगा। जब कल हमारे उपसभापति जी ने बात को उठाया था कि आज जयपुर में मेट्रो इतना बड़ा डेवलप हुआ है, यदि इन छोटी छोटी बातों को पढ़ के बैठा तो शायद नहीं होता। तो ये विजन तो प्रशासन के पास है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कमी रही है ये आपसी सामंज विभागों के सामंजस्य की और प्रशासन का थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लेने की जो एक इच्छा है। मुझे आश्चर्य हुआ जब कल माननीय जिलाधीश महोदय ने अखबार के अंदर स्टेटमेंट दिया कि साहब बाकी स्मार्ट सिटी के अंदर भी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। मेरा मानना है कि जब वहाँ नहीं हो रही तो इसके लिए आप भी इसके लिए पाबंद हो गए कि आप भी नहीं करेंगे, कम से कम आपको तो करना चाहिए था। आपको अगर एडवाइजरी बोर्ड को आप काम में लेते तो शायद आपको बहुत अच्छे सुझाव मिलते, एक दिशा मिलती, और चूंकि हम भी जनप्रतिनिधि है, इस शहर के प्रति हमारी भी चिंता है, कोई अच्छा रचनात्मक सुझाव हम भी दे सकते थे जिससे हमको वंचित रखा गया। नगर निगम के चुनाव में सुनने में आ रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, आम आदमी पार्टी वाकई में BJP को टक्कर दे पाएगी? देखिए किसी भी संगठन के लिए मैं एक बात मानता हूँ, किसी भी संगठन में किसी एक स्तर पर किसी एक स्थान पर कुछ अच्छे लोगों का समुच्चय बन सकता है, लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे जब संगठन का विस्तार होता है तो हम सब ने इसको बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि सब जगह योग्य और अच्छे व्यक्ति मिलना संभव नहीं होता, और यही कारण रहा है कि पूरे देश भर में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां ही बनकर रह गई। तो आम आदमी का भी वही हाल होना है कि आज जब हम उनके लीडरशिप की बात करेंगे तो किसी एक स्थान पर दिल्ली में हो सकता है उनके पास लीडरशिप हो, लेकिन जब बाकी स्टेटों में जाएंगे तो उतनी योग्य उनको लीडरशिप मिल जाए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और इसी कारण और फिर किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो कार्यकर्ताओं का एक मनोयोग पार्टी के प्रति निष्ठा चाहिए वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज जो राष्ट्रीय संगठन जिस प्रकार से चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज विचार पद्धति पर आधारित पार्टी है, इसलिए आज तक रन कर रही है और लगातार प्रगति कर रही है। बाकी आप राष्ट्रीय पटक उठाकर देख लीजिए, आज जो उनका पतन हो रहा है उसके पीछे कारण यही है कि विचारधारा कहीं नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का भी हश्र होना है, मैं नहीं मानता कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा मानना है आपका। कौन बनेगा मेयर शो जो हर वार्ड में जा रहा है MPTV इंडिया का, ये शो आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा सुशील भाई कि आपने इस पहल को किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जनता की आवाज़ बन करके
और जनता का जो अधिकार है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, इस बात को आपने उठाया। और जो जनप्रतिनिधि जिनका लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, कार्यकाल पूरा होने जा रहे हैं, उनकी एक आकलन और समीक्षा आपने की, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा, क्योंकि जनता के सामने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा हर बार जानी चाहिए ताकि वो आकलन कर सके कि जो हमने उस समय चयन किया था वो सही था या गलत था। तो उस चैनल आपके चैनल के माध्यम से ये जो आपने एक पहल की है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसको बहुत श्रेष्ठ कार्य मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो पार्षद रमेश सोनी वार्ड 11 से कौन बनेगा मेयर शो में आज के लिए केवल इतना ही। आपके वार्ड के अंदर भी हम बहुत जल्द आने वाले हैं, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, बाशिंदों से बात करेंगे, जानेंगे आपके वार्ड की समस्याएं जो 4.5 साल पहले थी, क्या उनमें सुधार हुआ कुछ या नहीं हुआ, आपके जनप्रतिनिधि को साथ में लेकर आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer.